हर फूल बने दूल्हे राजा, दुल्हन सी सजी मोहिनी, हरपुर और मोहिनी का गठबंधन। कलर्स के सीरियल हर फूल मोहिनी में फाइनली हो रही है हर फूल और मोहिनी की शादी की रस्म, जहां पर एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में सजी है ये दुल्हनिया। ऑथेंटिक साड़ी, ज्वेलरी, बालों में गजरा, भाई वाकई आज तो मोहिनी लग रही है गजब की खूबसूरत। हाँ, ये वी हैव ट्राई टू कीप इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, और ये ज्वेलरी एकदम वहाँ के स्टाइल की है, बिकॉज वहाँ पर साउथ के मंदिर बहुत फेमस है, आई हैव सीन ज्वेलरी में ये सब होता है। सो ये है ज्वेलरी, इयररिंग्स छोटे रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि नॉर्मल ब्राइडल से ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। वैसे हमारे दूल्हे राजा भी किसी से कम नहीं लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, देखने को मिली हर फूल और मोहिनी के बीच टशनबाजी। असल में ये शादी भी साउथ इंडियन स्टाइल से हो रही है, और ऐसे में होनी थी एक रस्म जहां पर दूल्हे को अपने होने वाली पत्नी यानी कि मोहिनी के पैर छूने हैं, लेकिन इस बात पर भड़क जाता है हर फूल और शादी तोड़ कर जाने की बात करता है। लेकिन मोहिनी भी अपना दिमाग लगाती है और चालाकी से हर फूल से ये रस्म करवा ही लेती है। हर फूल को ईगो पे आ जाता है कि मैं एक लड़की का पैर कैसे छू सकता हूँ, और मोहिनी को लगता है ये इतना बिग डील क्यों कर रहा है इसके लिए, बिकॉज मैं उसको रैंडमली नहीं बोल रही हूँ कि पैर छुओ, मैं बस कह रही हूँ रस्म में पूरी कर ले, वो नहीं करता तो मैं उसको ट्रिक करके करवा लेती हूँ। तो भाई इस अतरंगी जोड़ी की शादी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इनकी शादी में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट। को किथ जाल में फंसा दिया सर? केरल वालों ने थोड़ी फंसाया तुमको, तुम खुद फंसे हो। थारे साथ ना कुछ भी बढ़िया ना हो सके हमारा, मेरे को बात ही नहीं करना तुम जैसे से। मैं तो थारी जान बचा रहा था, और मारी माई ने भी पता नहीं मारे को किथ फंसा दिया सर। यो के जाल से बंदी कहीं तो खुले ही ना है। आराम से करो ना, ये तो रुक तो जा, मैं एक दो मिनट में फाड़ दे। क्या कर रहे हो? अरे क्या है थारे को, पहले तो शर्त रखे से अब मारे को इस जाल में फंसाया, थारा तो मतलब यही से कि मारे को बस जाल में फंसाना था। मारे के जुबान भी लड़ा। Thank you.
मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।